टीसीएस इन शॉर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है केंद्रीय सूचना आयोग। सबसे पहले देखते हैं ये हालिया खबर में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी के माध्यम से आयोग ने लोगों को साइबर सुरक्षा के खतरों और चुनौतियों से अवगत कराया। चले जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। यह भारत में लोकतंत्र और सुशासन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया। यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो दर्ज की गई शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। इनके प्रमुख उद्देश्य हैं आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना, किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत, किसी भी नागरिक से दूसरी अपील प्राप्त करना और उस पर निर्णय लेना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत, निगरानी और रिपोर्टिंग का कर्तव्य निभाना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत। चले जानते हैं इनकी सदस्य और नियुक्ति के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। चलिए देखते हैं इनके कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में। कार्यकाल, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। राष्ट्रपति निम्न प्रकारों से उन्हें उनके पद से हटा सकता है, यदि वे दिवालिया हो गए हों, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता की किसी अपराध के संबंध में दोषी करार किया गया हो राष्ट्रपति की नज़र में, अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, वे शारीरिक और मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो, यदि वे किसी लाभ को प्राप्त करते हुए पाए गए हैं जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं इनके कार्य। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना, धारा 19 सूचना देने हेतु द्वितीय अपील में न्याय निर्णयन करना, धारा 20 जुर्माना लगाना यदि उसकी राय में केंद्रीय या राज्य स्तर पर लोक सूचना अधिकारी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। यह उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।